अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठाक होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे भाई। तेरा बरकत, क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तबीयत कैसी है? ठीक हूँ मैं, पहले से कुछ बेहतर हूँ। चलो अच्छी बात है। हाँ जी, तो आप बोलो। बोले आप, मैंने बोल दिया। तो जी मैंने हमने कल वीडियो जो अपलोड की थी उससे नीचे कमेंट जो किए हैं मेरे बहन भाइयों ने, मेरी कुछ बहनें हैं, कुछ भाई हैं जिन्होंने कमेंट किए हैं कि आप बहुत सारे मशवरे दिए उन्होंने, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें। तो मैं उनका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनको मेरा इतना ख्याल है, बल्कि हमारा इतना ख्याल है कि उन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए और कमेंट किए और मुझे मशवरे दिए, बताया कि आप इस तरह से ठीक हो सकती हैं या ये करें या ये करें। तो इससे बढ़कर बहुत और कोई बात नहीं, अगर कोई किसी के बारे में कुछ अच्छा करता है या अच्छा सोचता है या अच्छा मशवरा देता है, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। और एक मेरी सिस्टर थी, वो कह रही थी कि आप दो दिन की मेडिसिन ना मंगवाएं, पूरे हफ्ते की मंगवाएं। तो जी इंशाल्लाह वो मैं पूरा हफ्ता यूज करूंगी, जो डॉक्टर ने लिख कर दी है ना वो पूरा हफ्ता ही खाऊंगी। क्यों वो दो दिन की इसलिए मंगवा रही थी मैं, क्योंकि पहले भी जो मेडिसिन मैं इतनी खा चुकी हूँ ना, बहुत खाई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए मैंने कहा दो दिन की मंगवाती हूँ, अगर कोई फर्क पड़ गया तो फिर बाकी भी मंगवा लूँगी, ना पड़ा तो फिर रहने दूंगी, फिर कोई मतलब के और दोबारा जाकर ना चेकअप करवाऊंगी। तो अभी तो फिलहाल कुछ बेहतर है, तकलीफ तो होती है, बैठने की कोशिश करती हूँ कि चलो बैठी रहूँ, लेकिन फिर भी वो ज्यादा देर बैठा नहीं जाता, लेटी रहती हूँ, काम भी नहीं इतना खास। जी बिल्कुल, खड़ा तो बिल्कुल नहीं होया जाता। हाँ जी, बैठना तो फिर एक और बात है ना, लेकिन खड़ा सही तरह नहीं होया जाता, तकरीबन ज्यादा से ज्यादा एक मिनट है, उसके बाद मतलब के कमर जो है ना वो साथ देना छोड़ देती है, फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए फिर हम इसको रेस्ट दे रहे हैं, आज का रेस्ट। तो आप सबकी दुआ की जरूरत है, तो इंशाल्लाह आपकी दुआओं से, अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल ठीक हो जाएगी और हो जाएगी। बाकी इलाज वगैरह करवा रहे हैं, अच्छे तरीके से करवा रहे हैं, आराम भी करवा रहे हैं, कोई काम वगैरह नहीं ले रहे इनसे। हमारे बहन भाई थे जो कह रहे थे आराम करें, इनसे काम ना लें, तेरा बरकत से, तो कोई काम नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही खुद ही कर रहे हैं सारे काम जी। बस सुबह मैं रोटी बना, तो जी सुबह का वक्त है और इस तरह रोटियां पका रहे हैं। दिखाओ मिलजुल कर काम करते हैं, अभी थोड़ी सी रह गई है। तो जनाब तारा रुपए की वजह से आपको बताया गया, थोड़ी तबीयत खराब है, इसकी वजह से आधा काम मैं कर रहा हूँ, आधा तारा प्रति कर रही है। तो मैंने बुनियाद नहीं पहनी हुई और ऊपर कमीज नहीं पहनी हुई, इसलिए मैं माजर चाहता हूँ, फिर थोड़ा पीछा कर लेता हूँ। चले जी, किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता, खड़ा होती हूँ तो चीखें निकलना शुरू हो जाती है, बहुत दर्द होता है। तो फिर क्या करें, पेट तो भरना है, बाहर के खाने से पेट भरा ही नहीं जाता, ना ही वो खाया जाता है। तो मैंने सोचा चले बाकी काम तो मैनेज हो जाता है, लेकिन रोटी नहीं इनसे मैनेज होती, इतना बनती है। तीन रोटियां होती हैं हमारी, वो भी आजकल बनानी मुश्किल हो गई है। तो जनाब माशाल्लाह बाहर का मौसम बहुत बहुत प्यारा बन गया है, बारिश आज फिर आने वाली है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब बारिश आती है, मौसम ठंडा ठंडा हो जाता है, जब बारिश आती है पानी भी आता है, पानी के साथ ये बाजार जो है ना ये गली भर जाती है, गटर वगैरह सब बंद है, और तारा बरकत जो है ना हिम्मत फैन के साथ काम चला रही है, क्योंकि बीने जुड़का लगाया और फिर चली गई। तो बारिश शुरू होगी, आप देखें
बादल गिर गया बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि इस बार बारिश बहुत ज्यादा आएगी। हमारी गली में आपको दिखाता हूँ जनाब, हमारे मालिक मकान के बेटे नहा रहे हैं और देखें आप बारिश इतना होना शुरू होगी कि मतलब कि ये देखें थोड़ी देर बाद ये पानी पानी यहाँ हो जाएगा। हालांकि अभी भी काफ़ी है पानी, लेकिन थोड़ी देर और बरसती रहना तो यहाँ पानी पानी आपको नजर आएगा और कुछ नहीं आएगा। की होया कड़ियाँ तो नहाने तो कड़ी आदि और क्या है वो हो किसी जख्म हो गया पट्टी लिया कभी चले। चिपकली तो यही ही होगा तो बाजी की। निकली तो नहीं और साढ़े सौ निकलन गे तो जी माशाल्लाह बारिश बहुत ज्यादा हुई, मौसम बहुत अच्छा हो गया। पहले से पहले बहुत ज्यादा गर्मी थी, बारिश के होने से काफी फर्क पड़ गया है। पहले पंखा जो था वो गर्म हवा दे रहा था, अब जो है ना ठंडी हवा दे रहा है, सुकून हो गया है। अल्लाह का शुक्र है कि ये दो माह भी जो है ना इसी तरह गुजर जाएंगे, बारिश होती रहेगी, सुकून रहेगा, ठंडी हवा होगी, पंखों की ठंडा दो माह आसानी से निकाल लेता है। ये दो माह ही गर्मी के फिर आगे सर्दी आ जानी है इंशाल्लाह। तो बहुत प्यारा मौसम है, हमने तो खूब इंजॉय किया, आप लोगों ने भी किया होगा। तो मैं वहां जाकर बैठ जाऊं फिर आप कहती है कि हर बैठी ही रहती है, बैठी ही रहती है, लेटती भी हूँ मैं क्या कर सकते हैं। अल्लाह पाक सब पे करम करे, रहम करे, सबको तंदुरुस्ती वाली सेहत वाली जिंदगी अदा करे। मेरी तो यही दुआ है आप सबको लिए, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो आप लोग भी मेरे लिए दुआ है, दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।